बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारा टॉपिक है वेव इक्वेशन। हम वेव की इक्वेशन निकालेंगे। उससे पहले हम कुछ चीज़ डिस्कस करते हैं। द इक्वेशन ऑफ एनी फिनोमेना कैन बी ऑब्टेन बाय मैकेनिकल एनालिसिस लाइक द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी आप किसी भी फिनोमेना की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं मैकेनिकल एनालिसिस के ज़रिए, जैसा कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने ये इक्वेशन क्या की थी, डिराइव की थी। डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल ज़ीरो, विच इज़ एन इक्वेशन ऑफ अ जनरल फॉर्म डैट कैन बी डिराइव फ्राम मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ अ वराइटी ऑफ फिज़िकल सिचुएशन। आपको याद हो ये इक्वेशन हमने बहुत सारे केसेस उसमें डिस्कस किए थे, और एट द एंड आपके पास जब हम फिज़िकल फिनोमेना को डिस्कस करते थे तो आखिर में हमारे पास जो इक्वेशन डिराइव होती थी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की फॉर्म में आ जाती थी। तो किसी भी आप जो फिनोमेना है उसकी इक्वेशन आप ऑब्टेन कर सकते हैं। सिर्फ ये होगा कि आपको उसका मैकेनिकल एनालिसिस करना पड़ेगा, तो आप उसकी इक्वेशन को डिराइव कर लेंगे। जब इक्वेशन डिराइव हो जाती है तो फिर हमारे लिए सिचुएशन बहुत सिंपल हो जाती है, फिर हम आगे उससे मज़ीद उसकी एप्लीकेशंस को क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अब देखें हम वेव मोशन के केस में आते हैं। इन द केस ऑफ वेव मोशन द मैकेनिकल एनालिसिस कैन बी यूज। तो वेव मोशन के केस पे भी हम मैकेनिकल एनालिसिस क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। द फिगर शोज एन एलिमेंट ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रिंग डैट इज़ अंडर टेंशन एफ। ये देखें हमारे पास एक फिगर है जिसमें एक स्ट्रिंग का एक हमने सेगमेंट ले लिया है और वो अंडर टेंशन है, ठीक है। यानी उसके ऊपर टेंशन हमने ये सेगमेंट ली है यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिंग का, और इसके ऊपर ये टेंशन फोर्सेस एफ और एफ एक्ट कर रही हैं, और इस सेगमेंट की जो लेंथ है, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग की सेगमेंट की लेंथ है वो डेल्टा एक्स है। अ पासिंग वेव हैज कॉज द एलिमेंट टू बी डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एट वाई इज इक्वल ज़ीरो। यानी जब वेव पास करती है तो ये सेगमेंट अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन वाई इज इक्वल ज़ीरो से क्या होता है, डिस्प्लेस होता है, ठीक है। We consider the element of a string of length delta x and we apply the Newton's second law to analyze how this element is made to move. तो हम इसकी लेंथ, जो सेगमेंट हमने लिया है इसकी लेंथ हम क्या ले रहे हैं, डेल्टा एक्स ले रहे हैं, और इसके ऊपर हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे और एनालाइज करेंगे कि इस ये एलिमेंट कैसे क्या करता है, मूव करता है। The element is acted on by two forces. जैसे कि फिगर में आपको नज़र आ रहा है ये जो एलिमेंट है इसके ऊपर टू फोर्सेज एक्ट कर रही है, एग्जर्टेड बाई द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग ऑन द आइदर साइड ऑफ द एलिमेंट। यानी इस ये जो हमने लेंथ एलिमेंट ली है इसके ऊपर ये फोर्स F एक्ट कर रही है, और ये फोर्स F ये बेसिकली इसकी नेबरिंग जो एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से इनके इसके ऊपर क्या कर रही है, फोर्स एक्ट कर रही है। These forces have equal magnitude because the tension is evenly distributed along the string, but they have slightly different direction because they act tangent to the string at the end point of the elements. क्योंकि जो forces इस end पर भी act कर रही है और ये force इस end पर act कर रही है, दोनों की magnitude क्या same है, क्योंकि जो tension है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्ट्रिंग है। हाँ, लेकिन इनकी डायरेक्शन थोड़ी सी मुख्तलिफ है क्योंकि ये फोर्सेस टेंजेंट है एट द एंड ऑफ दिस सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग जो हमने डेल्टा एक्स लिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका एंगल हॉरिजॉन्टली थीटा वन बनता है और यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टली एंगल थीटा टू बनता है। अब देखें द नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन इज, नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन क्या बनेगी। देखिए इसको अगर हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये एफ कॉस थीटा वन बन जाएगा,
और ये एफ साइन थीटा वन बन जाएगा। इसी तरह यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये एफ साइन थीटा टू बन जाएगा और ये एफ कॉस थीटा टू बन जाएगा। तो नेट फोर्स अलॉन्ग दी वाई क्या आ जाएगा, एक ये एफ साइन थीटा वन और ये दूसरी एफ साइन थीटा टू। तो नेट फोर्स अलॉन्ग दी वाई एक्सिस या वाई डायरेक्शन क्या आ जाएगी, एफ वाई इज इक्वल एफ साइन थीटा टू माइनस एफ साइन थीटा वन। नेगेटिव साइन इसलिए आया है कि दोनों कंपोनेंट्स की डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी अपवर्ड है और इसकी डाउनवर्ड है। तो ये एफ साइन थीटा टू है और ये एफ साइन थीटा वन है, इसलिए नेट फोर्स क्या बनेगी, एफ साइन थीटा टू माइनस एफ साइन थीटा वन, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास नेट फोर्स आ गई वाई डायरेक्शन में। वी कंसिडर ओनली अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्राम इक्विलिब्रियम, हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो लेंथ एलिमेंट है जो हमने स्ट्रिंग के अंदर लिया है ये डिस्प्लेस होता है, लेकिन बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेस होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इसका। इस वजह से ये जो थीटा वन और थीटा टू है ये काफ़ी स्मॉल होंगे, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल इसकी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इस वजह से क्या होगा, सो डैट एंगल थीटा वन एंड थीटा टू आर स्मॉल वी कैन राइट, आपको पता है जब थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेट टेन थीटा की इक्वल होता है, यानी आप कोई भी स्मॉल थीटा की वैल्यू ले लें, उसका साइन टिग्नोमेटिक फंक्शन लें या टेन टिग्नोमेटिक फंक्शन लें, दोनों का आंसर सेम आएगा, यानी दोनों अप्रॉक्सीमेट इक्वल है। तो इसका मतलब है साइन थीटा की जगह हम टेन थीटा भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर एफ टेन थीटा टू आ जाएगा और यहाँ पे एफ टेन थीटा वन आ जाएगा। तो देखें हमारी इक्वेशन क्या आ गई, एफ वाई इज इक्वल एफ टेन थीटा टू माइनस एफ टेन थीटा वन। जैसे कि आप जानते हैं कि टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन टेन थीटा, डेल्टा टेन थीटा, ठीक है। तो हमारी अबव इक्वेशन क्या आ जाएगी, एफ वाई, ठीक है, और यहाँ से एफ कॉमन आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टेन थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास, इसे हमने इक्वेशन वन असाइन कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन वन क्या आ जाएगी, एफ वाई इज इक्वल एफ डेल्टा टेन थीटा आ जाएगा। देखिए फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स किसकी इक्वल होती है, मैस इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ वर्टिकल फोर्स की बात कर रहे हैं अलोंग वाई डायरेक्शन, तो एफ वाई क्या आ जाएगा, इस सेगमेंट की मैस कितनी है, डेल्टा एम है, तो एम की जगह ये डेल्टा एम आ गया और ए वाई यानी एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन। अब देखें जो डेल्टा एम है ये मैस है बेसिकली उस सेगमेंट की जो हमने स्ट्रिंग की लेंथ डेल्टा एक्स की ली हुई है, तो आपको पता है कि डेल्टा एम किसकी इक्वल आ जाएगा, म्यू इनटू डेल्टा एक्स। म्यू क्या होता है, मैस पर यूनिट लेंथ, तो मैस पर यूनिट लेंथ को आपकी जो लेंथ सेगमेंट की लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास टोटल मैस आ जाएगी, यानी डेल्टा एम किसकी इक्वल आ जाएगा, म्यू डेल्टा एक्स आ जाएगा, तो ए वाई की जगह ए वाई आ जाएगा। इससे हम इक्वेशन टू असाइन कर देते हैं। अब देखें हमारे पास इक्वेशन वन ये है और इक्वेशन टू हमारे पास ये है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। तो देखें एफ डेल्टा टेन थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, इसकी इक्वल म्यू डेल्टा एक्स ए वाई। देखिए यहाँ से फोर्स दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी और यहाँ से जो डेल्टा एक्स है वो इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए आप जानते हैं कि टेन थीटा बेसिकली क्या होता है, पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स, जिसको आप क्या कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं, फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, स्लोप बेसिकली क्या होता है, टेन थीटा होता है या चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। तो देखिए टेन थीटा की जगह, यानी इस इक्वेशन में टेन थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। अब देखें अगर मैस एलिमेंट इज़ वेरी स्मॉल, यानी जो हमने वो लेंथ ली हुई है जो फिगर में आपको दिखाई है
उसकी मैस एलिमेंट क्या हो, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, तो हम क्या कर सकते हैं, वी अप्लाई द एलिमेंट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। यानी फिगर में आपने ये देखा था कि हमने ये लेंथ ली हुई थी इस सेगमेंट की, तो हम अगर अज्यूम कर लें कि ये बहुत स्मॉल है, तो ये डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल हो जाएगा, अप्रोचिंग टू ज़ीरो हो जाएगा। इसकी वजह से हमें क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, लिमिट अप्लाई, यानी इस इक्वेशन के ऊपर हम क्या कर देंगे, लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, डेल्टा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स, और नीचे फिर पार्शियल एक्स डेल्टा एक्स है, म्यू ए वाई डिवाइडेड बाय एफ है। तो ये बेसिकली क्या डेफिनेशन बन जाएगी, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन जाएगी। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, पार्शियल स्केयर वाई बाय पार्शियल एक्स स्केयर, और यहाँ पे ये इसी तरह आ जाएगा। अब इसके बाद देखें कि हम म्यू बाय एफ इसको अलहदा कर लेते हैं, और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, डबल डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि वेलोसिटी होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन फिर उसका आप डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ए वाई की जगह पार्शियल स्केयर वाई बाई पार्शियल टी स्केयर आ जाएगा, और म्यू बाई एफ ऐसे साइड पे आ जाएगा। इसे हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन थ्री कह देते हैं। देखिए, आपने वेव स्पीड निकाली हुई है एज वी इज इक्वल अंडर रूट एफ बाई म्यू। अगर हम वी स्केयर लेते हैं तो स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा एफ बाई म्यू, और अगर इसे वन बाई वी स्केयर करते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू बाई एफ आ जाएगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ वन बाई वी स्केयर इन द इक्वेशन थ्री, यानी ये वन बाई वी स्केयर की जो वैल्यू आई है वो हम इस इक्वेशन थ्री में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो जब उसमें यानी म्यू बाय एफ, देखिए इस इक्वेशन थ्री में म्यू बाय एफ आता है ना, तो हमारे पास म्यू बाय एफ किसकी इक्वल आया, वन बाय वी स्केयर के। तो बेसिकली क्या आ जाएगा कि म्यू बाय एफ की जगह वन बाय वी स्केयर आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, पार्शियल स्केयर वाई बाय पार्शियल एक्स स्केयर इज इक्वल वन बाय वी स्केयर पार्शियल स्केयर वाई बाय पार्शियल टी स्केयर। अब ये बेसिकली आपकी क्या आ गई है, वेव इक्वेशन आ गई है, जो इस फिज़िकल फिनोमेना को क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। इट इज़ अ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दैट डिस्क्राइब वेव, द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वेव डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज इक्वल वन बाय वी स्केयर टाइम्स द सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज़ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। यानी ये आपकी वेव इक्वेशन है, जो वाई डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल वन बाई वी स्केयर टाइम्स ऑफ द वाई का सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो ये बेसिकली आपकी क्या कहलाती है, वेव इक्वेशन कहलाती है।